नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे साथ तनवीर है और शुरू करते हैं अखबारों की सुर्खियों के साथ। तो तनवीर बताइए, सबसे पहले आज कौन सी खबर लीडिंग है? लीडिंग स्टोरी है जीएसटी घटा, होटल का किराया हुआ सस्ता। जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में शुक्रवार को होटल किराए पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की गई। इसके अलावा 13 सीटों तक 1200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेस कर 12% जीएसटी जो है वो घटा दिया गया है। और वहीं आपको बताया, होटल्स की तो 7500 रुपए से अगर कम बिल होता है तो 12% जीएसटी लगेगा, तो वही 7500 रुपए से ज़्यादा अगर आपका बिल होता है तो 18% जीएसटी लगेगा। और साथ में 1100 सीसी और 1500 सीसी वाहन की बात करें तो इसकी दो नई दरें हैं जीएसटी की, 1 अक्टूबर से लागू होंगी। जी बिल्कुल, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तनवीर, तो पटना आते हैं। पटना में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान को गंगा नदी पार कर चुकी है। कई घाटों को बंद कर दिया गया है और एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम कोऑर्डिनेट करके नज़र रखी हुई है। गंगा नदी के उफान पर जाने से घाटों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ से कमान संभालने को कहा गया है। जिला प्रशासन की टीम तैयार है। सुरक्षा बांध पर प्रशासन की विशेष नज़र है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें पटना सिटी के कंगन घाट की, तो वहां पर सड़क पर पानी आ चुका है। नकटा दियारा का नया टोला पूरी तरह से डूब चुका है, गंगा नदी में समा चुका है। इसके साथ ही साथ बक्सर से लेकर के पटना के बीच में गंगा और सोन नदी उफान पर है। पुनपुन नदी का भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ा हुआ है। आप तनवीर बताएंगे कि जल जमाव की स्थिति पटना में अब भी बनी हुई है। साहब, जल जमाव की बात करें तो 72 घंटे हो गए हैं बारिश जो हुई 72 घंटे पहले, उसके बाद से जल जमाव की स्थिति है वो लगातार बरकरार है। और पॉर्श एरिया की आप बात करें तो पाटलिपुत्र कॉलोनी, जिसे पॉर्श एरिया कहा जाता है पटना का, वहाँ भी जल मग्न हो चुका है। जो पाटलिपुत्र फील्ड है उसमें भी जल जमाव पूरी तरीके से, और कुछ है बाजार समिति है, खास महल, ब्रिगहपुर, जक्कनपुर, सशिस्ताबाद आदि में जल जमाव जो है उससे अभी तक लोगों को राहत, मतलब कि जो डीएम कुमार रवि कह रहे थे कि जल निकालने का काम जो नगर निगम कर रहा है वैसे साफ दिख नहीं रहा है वैसा कुछ भी। जी तनवीर, अब आगे आपको बढ़ते हैं और बताते हैं, शिक्षकों को 1 अक्टूबर तक वेतन दे दिए जाएंगे, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सितंबर माह का सभी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षित कर कर्मियों के वेतन हर हाल में 1 अक्टूबर तक भुगतान कर दे। मतलब बड़ी खबर है, खुशखबरी की टीचर्स के लिए, क्योंकि आने वाला समय फेस्टिवल सीजन है, उससे पहले ये राहत है उनके लिए। लगातार उनकी तरफ से कहा जाता है कि देरी होती है सैलरी मिलने में, तो इस बार खुश हो जाएंगे शिक्षक। बिल्कुल, तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। कुल पटना की 15 कॉलोनियों में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। डेंगू पॉजिटिव शुक्रवार को पटना में कई मरीज मिले। 26 डेंगू पॉजिटिव मिलने की बात सामने आई। उसके बाद 43 जेई और 18 चिकनगुनिया के मरीज पटना में मिले हैं और पूरे सूबे में भी मिलने का ये आंकड़ा है। आपको बता दें कि सिविल सर्जन ने कहा है कि अभी तक 200 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, यहाँ ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला। तो कुल बिहार में 43 और पटना में 26 मामले चिकनगुनिया, जेई और डेंगू के मिला करके सामने आए हैं। तो डेंगू को लेकर के नगर निगम की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह से फॉगिंग मशीन काम कर रही है? पटना में अभी फिलहाल फॉगिंग मशीन बहुत ही कम दिखाई दे रही है, जबकि डेंगू का प्रकोप बढ़ने की वजह से नगर निगम को इसमें आगे आना चाहिए था। देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अस्पतालों में डेंगू के मरीज मिलने का जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। जी तनवीर, जंक्शन के लिए एक नया रास्ता मिलने जा रहा है पटना के लोगों को। ये वो रास्ता है जहां पर दूध मंडी हुआ करता था, उससे अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद से उस रोड को बनाया गया और एक नया रास्ता कह सकते हैं कि पटना जंक्शन में लोगों को मिलेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो जगह है और ऑटो हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो भी अब उस रास्ते से जा सकेगी। DRF ने इसकी ओपनिंग कर दी है। अब आपको बताते हैं कल से, तो आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। एक बार फिर से ये वही खबर है जो कि पटना वासियों को बहुत दिनों से रुला रही थी। तो कल यानी कि 22 सितंबर से पटना में एक बार फिर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और इस चेकिंग अभियान के तहत जो है कि ऑटो और सिटी बसों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। कमिश्नर और DM ने कहा है कि इस बार कोई भी पैरवी काम नहीं आएगी। गांधी मैदान में जब्त वाहनों को रखने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ 65 जगहों पर चेकिंग पॉइंट
बनाए गए हैं। खास करके ये उन गाड़ियों पर ज़्यादा तौर पर विशेष निगरानी रखेगी पुलिस जो धुआं छोड़ती हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा पटना की सड़कों पर अब तो सीएनजी बसें भी सीएनजी ऑटो भी चल रहे हैं, कुछ दिनों में सीएनजी बसें भी चलेंगी। लेकिन इस बीच पटना के कई ऐसे इलाके हैं, खास करके अगर हम अशोक राजपथ पर तनवीर आगे बढ़ेंगे और NIT मोड़ से पटना सिटी के पूरा इलाके में बहुत सी ऐसी गाड़ियां आपको दिख जाएंगी, ऑटो रिक्शा दिखेंगे, जिस जो कि काफ़ी धुआं छोड़ते हैं और इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो कल से यानी कि 22 सितंबर से जो चेकिंग अभियान चलेगा उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो पैनी नज़र बनाई जाएगी ऑटो रिक्शा और सिटी बसों पर होगी। जी तनवीर, अब बढ़ते हैं बिहार की सियासत पर। बिहार की सियासत कल काका गागा अंगा पे शुरुआत हुई, जब नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग मेरे नाम का प्रचार करते हैं जिन्हें काका गागा भी नहीं आता है। बिल्कुल। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी कहे कि नीतीश चाचा, अगर मुझे काका गागा नहीं आता है तो आपने मुझे उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। सही बात, तो मतलब कि ककारा सिखा रहे थे नीतीश कुमार। पटना के रविंद्र भवन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह जो एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं बिहार के, उनके स्वागत का समारोह था, जिला अध्यक्षों की बैठक भी थी। उस दौरान नीतीश कुमार ने जम करके सुनाया है अपने विरोधियों को, साथ में उनके गिरिराज सिंह को भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, क्या कहा? गिरिराज सिंह को उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो भाषा बोलते हैं फिर पलट जाते हैं, कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। तो इस पर जो है गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे जो सही लगता है वही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ उस पर अडिंग रहता हूँ। आप बोलने पर एतराज़ जताने वालों को जवाब दिया है कि महादेव की दया से मुझे जो सही लगता है बोलता हूँ, न किसी के आगे बोलता हूँ न किसी के पीछे बोलता हूँ, जो मेरा मन होता है मैं वही बोलता हूँ। तो नीतीश कुमार गिरिराज सिंह को सबक सिखा रहे थे, मगर गिरिराज सिंह ने भी उसका तुरंत जवाब दे दिया। अब आपको बताते हैं, प्रदेश कमेटी की सभी इकाइयां जो है LJP की वो भंग कर दी गई है और इसका ऐलान किया है पशुपति पारस ने, जो कि LJP के बिहार अध्यक्ष है, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि प्रदेश की सभी कमेटियां जो है उसे भंग कर दी गई है और उसके बाद से नई कमेटी जो है वो जल्द ही बनाई जाएगी। जाहिर सी इसको माना जाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति इसको कहा जा सकता है कि जो पहले वाली कमेटियां थी उसे भंग कर दिया गया और पशुपति कुमार पारस जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं और LJP का बिहार में LJP वही संभाल रहे हैं, तो उनको लेकर के ये बड़ी खबर है कि उन्होंने ये बातें कही हैं कि सभी कमेटियों को भंग किया गया और नई कमेटी का जल्द गठन किया जाएगा। तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, तो काम की खबर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि अजीमाबाद एक्सप्रेस अब वडोदरा नहीं जाएगी। दूसरी खबर यह है कि पाटलिपुत्र यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22352, जो कि अप और डाउन का है, इसमें बोगियों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार से यशवंतपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा, इसके साथ ही साथ BEd प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। आपको बताते हैं, महिला आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली से महिला आयोग की जो हेड हैं वो पहुंची थी पटना और उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे से मुलाकात की और उसके बाद से बेतिया में जो लड़की के साथ दुष्कर्म मामला है उनसे भी, उस लड़की से भी जो रेखा शर्मा है महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने बात की और उसके बाद से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बिहार में जो बातें कहते हैं नीतीश कुमार वो दिख नहीं रहा है, दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेतिया वाले मामले में यहाँ लड़कियों का आधार कार्ड, बात करें तो आधार कार्ड भी जो है वो गलत बनाया जाता है, यानी गड़बड़ी पाई गई है आधार कार्ड में। साथ में उन्होंने बताया कि बेटी को बाल विवाह से रोकने के लिए नीतीश कुमार अभियान चला रहे हैं मगर ऐसा दिखता नहीं, और यहाँ शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी काफ़ी गड़बड़ी है। उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर काउंसलिंग क्यों नहीं की गई उस लड़की की और पुलिस का प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, जब शेल्टर होम मामले के बाद से फिर से पीड़िता का रेप किया जाता है तो आखिर सरकार कहां सोई हुई थी। मगर उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बात सामने आई उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई में उन्होंने उससे खुश हैं, महिला आयोग की जो रेखा शर्मा है वो खुश हैं कि शुरू में इंतजाम करने चाहिए थे कि ताकि लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, मगर अभी जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के उन्होंने कहा कि काम ठीक हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कहीं गड़बड़ी हो रही है और गुप्तेश्वर पांडे से
वो मिल करके भी खुश। बिल्कुल, तो पुलिस का रवैया अच्छा लगा है। रेखा शर्मा जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से पटना आई थी और पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बेतिया मामले में वो बिहार सरकार पर बरसती हुई भी दिखाई दी। आगे की खबर हम बताएं तो जिलों में जो गिरोह होंगे उससे स्पेशल टीम निपटेगी। गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के DGP हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अपराध नियंत्रण और दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा हुई है। इस दौरान फील्ड में अफसरों को कई टास्क सौंपे गए हैं। ये ADG मुख्यालय जो कि जितेंद्र कुमार हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि घटनास्थल का वीडियो भी पुलिस बनाएगी अपराध के बाद, अगर जब मौके पर पहुंचती है तो कुल मिलाकर के जिलों में जो गिरोह काम कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए स्पेशल टीम का गठन होगा और स्पेशल टीम खास तौर पर उन गिरोह को रोकने के लिए, अपराध पर नकेल लगाने के लिए काम करेगी। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपके साथ रोज इसी तरह अखबारों की सुर्खियों के साथ मौजूद होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।